जबलपुर में अच्छाई पर बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया गया। छोटा फुहारा स्थित गोविंदगंज रामलीला में कोरोना संक्रमण के चलते कम लोग ही रावण देखने पहुंचे। वही गोविंदगंज रामलीला में शानदार आतिशबाजी के बीच दशहरे का पर्व मनाया गया। लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन रावण दहन का आनंद लिया। पिछले 155 सालों से गोविंदगंज रामलीला समिति द्वारा दशहरा आयोजित करता आ रहा है, जिसमें रथ पर सवार राम लक्ष्मण हनुमान दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे। बाइट वन, बाइट टू, हमारी एक प्रथा है, प्राचीन काल से सनातन धर्म से ये ऐसा मानते आ रहे हैं कि रावण को हम असत्य के रूप में मानते हैं, बुराई के रूप में हर वर्ष जलाने का प्रयास करते हैं और उसमें एक संदेश समाज के बीच में देने का काम करते हैं कि हमें इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को मानकर अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम को आदर्श मानकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। बुराई का अंत हमेशा होता है और रावण की जो आज जलाने का प्रयास काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ये एक संदेश जाता समाज के बीच में कि अच्छाई हमेशा अच्छाई होती है, बुराई हमेशा बुराई होती है, उसका अंत होता है और एक प्रतीक के रूप में हम रावण का पुतला जलाते हैं। आज मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ हैं, हमें अपने अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, किसी दूसरे को हम उपदेश देने के बजाय हमको खुद को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को हम अपने जीवन में एक कदम भी चल सके तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा, इस देश का उद्धार होगा, राष्ट्र का उद्धार होगा। श्री गोविंद रामलीला समिति 155 वर्ष तक लगातार निरंतर भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की मानव लीला करती चली आई, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के कारण पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आज श्री गोविंद रामलीला समिति 156 वर्ष का दशहरा चल समारोह के उपलक्ष्य में नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। श्री गोविंद रामलीला समिति आज दशहरा के पावन पर्व पर रावण का दहन किया गया जो लगभग 27 फुट ऊंचा था और समिति के पुराने कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे आकर्षक बनाने के लिए उसमें लाइट वगैरह लगाई गई। आज समिति की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन आप घर पर बैठ के कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। आज कोरोना के कारण हम और आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, 2 गज की दूरी ये अपनाते हुए हम समिति के सभी लोगों ने कार्यक्रम को भव्य एवं सुंदर बनाने के लिए प्रयास किया है। आने वाले वर्षों में फिर भव्यता के साथ हम श्री गोविंद रामलीला समिति का जो मानव लीला होती है अगले वर्ष हम पुनः उसे भव्यता के साथ मनाएंगे। जय श्री राम। और रावण का तो बोल दो, इस बार कोरोना रूपी ये कोरोना रूपी बुराई का अंत हो जाए, जो घर घर में घुस के परिवारों में घुस के लोगों को जीना हराम किए हुए। आज सारे देश, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। सारे देशों की अर्थव्यवस्था इस कोरोना के कारण नीचे जा रही है। तो हम तो प्रभु श्री राम से यही निवेदन करेंगे कि इस वर्ष कोरोना रूपी इस महाकाल को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।